हेलो दोस्तों, एंड कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, हमने फाइनली अपने 10 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए हैं, जिसे देख के मैं काफ़ी खुश हूँ। थैंक यू आप सबके सपोर्ट के लिए। आप ऐसे अपना सपोर्ट बना ही रखिए। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज के एपिसोड का नाम है द फिंगर। सीन स्टार्ट होती है लॉस एंजलिस में, जहाँ हमें एक बंदा दिखाया जाता है जिसका नाम क्लार्क विल्सन रहता है। वो एक हाथ में गन लिए और दूसरे हाथ में टॉर्च कुछ पागलों जैसा घर में ढूंढ रहा होता है। वो दूसरे किचन रूम में जाता है, जहाँ वो रेफ्रिजरेटर का डोर खोलता है एंड वो कुछ देख के शॉक हो जाता है। अब उसने अंदर क्या देखा, ये जानने के लिए हमें पास्ट में जाना पड़ेगा। क्लार्क बेसिकली बहुत ब्रोक पर्सन था एंड उसके लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा होता। उसके पास ना तो पैसा था एंड ना ही बीवी। उसकी बीवी ने उसे डिवोर्स दे दिया था एंड उसके बच्चे भी अब उससे अलग रहते हैं। फाइनेंशियली क्लार्क के पास कुछ नहीं था सिवाय एक घर और गाड़ी के, एंड वो भी उसे उसकी बीवी से तलाक मिलने पर मिला था। क्लार्क का एक अजीब सा पैशन रहता है कि वो रास्ते में पड़े हुए चीज़ों को कलेक्ट करता था, जैसे कि पुराने ताले, स्टिकर इत्यादि। तो एक रात वो टहल रहा होता है एंड नीचे उसे कुछ पड़ा मिलता है। वो नज़दीक से दिखता है तो एक उंगली रहता है। अब वो किसकी उंगली रहती है ये उसे भी नहीं पता रहता। वो जल्दी से उस उंगली को अपने पॉकेट में डालकर उसे अपने घर ले जाता है। अपनी बीवी और बच्चों के छोड़ देने पर क्लार्क काफ़ी चिढ़ा हुआ रहता है एंड उन लोगों से काफ़ी गुस्सा भी रहता है। वो जल्दी से उंगली को लेकर घर पहुंचता है एंड वहाँ पर इंटरनेट पे कुछ रिसर्च करने लगता है। वो इंटरनेट पे कुछ रिसर्च करने लगता है कि ये किस जानवर की उंगली हो सकती है। भालू, शेर, रक्कून, लेकिन कोई भी मैच नहीं आ रहा होता है। तभी उसकी बियर की बोतल गिर जाती है एंड क्लार्क नोटिस करता है कि सारा लिक्विड फिंगर में एब्जॉर्ब हो जाता है। अब ऐसा कुछ देख के हम तो डर जाएंगे, लेकिन क्लार्क के तो शौक ही अलग थे। उसे खुशी होती है कि वो इससे काफ़ी पैसे कमा सकता है। वो उसे एक छोटी सी बॉक्स में रैप करके फ्रिज में डाल देता है। यहाँ क्लार्क को एक कॉल आता है एंड कॉल एक डेब्ट कलेक्टर का रहता है, यानी कि क्लार्क ने बैंक से लोन लिया था एंड अब तक पेमेंट बाकी था। तो एक लेडी बार बार उसे कॉल करती रहती थी पैसे चुकाने की बात को लेकर। दूसरे दिन क्लार्क फ्रिज चेक करता है फिंगर यानी कि उंगली को देखने के लिए, लेकिन फिंगर वहाँ नहीं होता है। वो घर में इधर उधर फिंगर को ढूंढने लगता है एंड फिंगर ज़मीन पर नीचे पड़े रहता है। अब उसमें हम ये देखते हैं कि पहले तो एक फिंगर था, लेकिन अब वो बड़ा होकर दो फिंगर बन चुका है। अब पूरे 24 घंटे पूरे हो जाते हैं एंड वो एक पूरा हाथ का रूप ले लेता है। क्लार्क उस हाथ को देखकर एक बड़े से फ्रिज में रख देता है एंड वो अजीब तरह से खुश होते रहता है। वो खुद से बातें करता है कि उसे क्या करना चाहिए, उसे पुलिस को बुलाना चाहिए या रिसर्च डिपार्टमेंट को या फिर किसी पागल साइंटिस्ट को, लेकिन नहीं, वो थोड़ी और देर इंतज़ार करने का सोचता है। उसे किचन से एक आवाज़ आती है एंड वो जल्दी से फ्रिज खोलने वापस जाता है। फ्रिज खोलने पर उसे वहाँ पर वो हाथ नहीं दिखता है एंड वो काफ़ी सगमा जैसा लगता है उसको। वो सोचता है कि ज़िंदगी में पहली बार उसने किसी को बचाया था, किसी को संभाला था एंड उसे बड़ा किया था, लेकिन वो उसे छोड़कर चला गया। एंड दिन भर वो इसी गम में डूबा रहता है एंड उसकी आँख लग जाती है। आधी रात में वो किचन में से कुछ आवाज़ सुनता है एंड हम पहले सीन में वापस आ जाते हैं, जहाँ वो एक हाथ में टॉर्च और दूसरे में गन लिए रेफ्रिजरेटर खोलता है। रेफ्रिजरेटर के अंदर हाथ की जगह अब एक पूरा का पूरा क्रीचर रहता है, जो कि बड़ा हो चुका था। क्रीचर के शरीर में काफ़ी खून लगा रहता है एंड किचन में देखने पर नीचे काफ़ी खून पड़ा रहता है। वो किचन की टेबल पर देखता है एंड वहाँ उसे एक जिंदा दिल मिलता है। अब वो कुछ सोच सके इससे पहले उसके घर पर कोई दरवाज़ा खटखटाता है एंड गेट पर दो डिटेक्टिव्स आए रहते हैं। वो लोग क्लार्क से कुछ पूछताछ करने आए रहते हैं, जिससे क्लार्क को पता चलता है कि अब उसकी वाइफ सेमेंथा मर चुकी थी। वो इस बात पर डिटेक्टिव्स के सामने काफ़ी रोता है, लेकिन उन दोनों के जाने के बाद वो काफ़ी खुश नज़र आता है। अब वो कंप्यूटर पर बैठे फिर से कुछ रिसर्च करने लगता है, ताकि पुलिस उसके वाइफ के मर्डर में इसे अंदर ना कर दे। यहाँ उसके पीछे से क्रीचर पहली बार आमना सामना करता है एंड वो पीछे पलट कर जब क्रीचर को देखता है तो वो डर के नीचे गिर जाता है। क्रीचर उसकी तरफ बढ़ता है एंड चेयर पर चढ़ जाता है। क्रीचर यहाँ पर क्लार्क को डरता देख खुद भी डर जाता है एंड मानो इन दोनों की कोई बॉन्डिंग हो। क्लार्क क्रीचर से बात करने की कोशिश करता है एंड शॉकिंगली क्रीचर उसे समझ पा रहा होता है। क्लार्क उस क्रीचर को बॉब नाम रखता है एंड दूसरे दिन वो किसी नॉर्मल दिन की तरह एक्ट करने लगता है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं एंड सीन चेंज होती है। क्लार्क को फिर से एक टेलीफोन कॉल आता है, जो कि उसी मनी लेंडर का रहता है। वो फिर से गुस्सा करके फ़ोन फेंक देता है एंड गंदी गंदी गलियां देना चालू कर देता है। बॉब क्लार्क को चिल्लाते देख घबरा जाता है एंड क्लार्क यहाँ पर उसे शांत कराने की कोशिश करता है। वो बॉब से कहता है कि बॉब, मैं तुम पे नहीं चिल्ला रहा था। एंड दूसरे दिन घर में उसे एक इंसानी जीप दिखता है। क्लार्क बजाय घबराने के उल्टा काफ़ी खुश दिखाई देता है एंड वो इन सब चीज़ों को अपने कंप्यूटर पर स्टोर कर रहा होता है। रात में वो डिटेक्टिव्स फिर से वापस आते हैं एंड इस बार क्लार्क के बच्चे मिसिंग रहते हैं। क्लार्क जरा भी शॉक नहीं दिखता है।
एक डिटेक्टिव क्लार्क के शर्ट पे खून के दाग को देखकर पूछता है कि ये क्या है, एंड क्लार्क उनसे कहता है कि ये टमाटो केचप है। इसके साथ वो बात को टाल देता है। वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं एंड क्लार्क अंदर किचन टेबल पर देखता है कि उसके बच्चों के सर पड़े थे। सबूत मिटाने की कोशिश करने के लिए क्लार्क अब एक हथौड़ा लाता है एंड उन दोनों सर को जोर जोर से मारने लगता है ताकि उनके छोटे छोटे टुकड़े कर सके। तभी पुलिस की गाड़ियों की सायरन हमें उसके घर के बाहर से आती सुनाई देती है। सीन चेंज हो जाती है एंड क्लार्क अब एक मेंटल हॉस्पिटल में बंद रहता है। उसकी क्रीचर वाली स्टोरी पे किसी ने यकीन नहीं किया रहता है एंड उसे पागल सोचकर उसे लॉक कर देते हैं। दोस्तों, स्टोरी हमें काफ़ी कंफ्यूज एंड पे रख देती है एंड यहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं कि क्या क्रीचर सच में था, क्या क्लार्क पागल था। मैं आपके लिए सब आसान कर देता हूँ। सारा किस्सा फिंगर का था। वो कोई भी क्रीचर में बदल सकता था, लेकिन क्लार्क के गुस्से और अकेलापन ने उसे एक जानलेवा क्रीचर में बदल दिया। क्रीचर उसी की बात मानता था एंड उसी को मारता था जिससे क्लार्क नफरत करता था। एंड हाँ, क्लार्क पहले से ही पागल था, वरना कौन ऐसे क्रीचर को पालता है एंड जिंदा दिल को देखकर खुश होता है। अगर आपको मेरा ये काम ज़रा सा भी पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें एंड लाइक करना ना भूलें।